सर्कुलर मोशन के स्टडी के दौरान आज हम लोग पहुंच गए हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पर। डायनेमिक्स का अर्थ होता है कि मोशन का कॉज क्या है। तो आप जानते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ में ये दिया हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जहां भी एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों हालत में एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसलिए सर्कुलर मोशन में फोर्स की आवश्यकता हरदम पड़ती है। तो आज हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे कि कैसे फोर्सेज का यूज होता है और कैसे सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स लगाया जाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर किस तरह से एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजोल्यूशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये सर्कल है, तो इसका एक्सेलरेशन किसी भी केस में इसी प्लेन में होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की ओर होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की ओर नहीं होगा, या तो इधर होगा या थोड़ा डायरेक्शन इसका चेंज रहेगा। अब इसका पार्टिकल का अगर मास m है तो m और a का प्रोडक्ट इधर ही डायरेक्टेड होगा। इस केस में m और a का प्रोडक्ट इधर डायरेक्टेड होगा। तो जितने भी फोर्सेज लगे होंगे उन सब को अगर हम लोग जोड़ करके f लिखें, देन f इज इक्वल टू m इंटू a। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि बहुत सारे फोर्सेज हैं तो सबको जोड़ करके एफ आया, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। इसलिए इस केस में भी एफ का डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इस लाइन पर आएगा, जिधर एक्सेलरेशन है उसी लाइन पर नेट फोर्स आएगा। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग तय कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसका अलग अलग सिचुएशन रहता है जिससे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। और इस केस में जो सारा फोर्स है वो सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स के लिए कंपोनेंट फॉर्म लिखे, तो एफ सी हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स टुवर्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स एंड दिस विल बी मास इनटू एस सी। इस केस में हम लोग करेंगे तो इसका इधर कंपोनेंट लेंगे, तो टेंजेंट की ओर एक कंपोनेंट आएगा और एक सेंटर की ओर आएगा, तो इसको बोलते हैं AT और इसको बोलते हैं AC। तो FC कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स टुवर्ड C इज मास इनटू AC एंड कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स अलोंग टेंजेंट, टेंजेंट की ओर जो कंपोनेंट होगा वो AT से रिलेटेड होगा और सेंटर की ओर जो कंपोनेंट होगा वो AC से रिलेटेड होगा। FT विल बी इक्वल टू मास इनटू AT। तो इस तरह से हम लोग फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, और सारे फोर्सेज का वेक्टर सम इसी प्लेन में लाई करेगा, इसलिए इस प्लेन के नॉर्मल अगर कंपोनेंट लें तो वो जीरो आएगा। इसलिए दोनों ही केस में हम लोग लिख सकते हैं कि F परपेंडिकुलर इज जीरो। सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेज का सम जीरो आएगा। सेंटर की ओर फोर्स होगा मास इनटू एसी और टेंजेंट की ओर होगा मास इनटू एटी। एटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इज डीवी बाय डीटी, स्पीड के बदलने का रेट, और एसी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये एसी हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपेटल फोर्स इज द नेम ऑफ कंपोनेंट टेकन टुवर्ड सेंटर, इट इज नॉट ए न्यू फोर्स। जो फोर्स लग रहे हैं उन्हीं का कंपोनेंट सेंटर की ओर लिया गया, तो उस कंपोनेंट को ही कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर्किल में चलने के कारण सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दाहिने फोर्स लगा बाएँ फोर्स लगा वैसे ही सेंटर की ओर फोर्स लगा, तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसी का नाम सेंट्रीपेटल फोर्स है। दिस इज नॉट ए न्यू फोर्स, इट इज नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेज।
जैसे एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, मान लें कि कोई बॉडी है और ग्रेविटेशन के कारण चल रही है, जैसे मून है और अर्थ के चारों ओर चल रही है, तो इस पर मून पर अर्थ फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर फोर्स सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, तो यह फोर्स ही कहलाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लें कि एफ जी लिख दें, देन एफ जी यही है सेंट्रीपेटल फोर्स। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जा रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है अंदर की ओर, तो यह इलेक्ट्रिकल फोर्स ही यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स एफ ई, इलेक्ट्रिकल फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज द नेम ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, चूंकि एक ही फोर्स है इसलिए टोटल फोर्स सेंटर फोर की ओर ही है। कुछ ऐसे एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं जिसमें फोर्सेस एक से अधिक होंगे, जैसे मान लें कि एक धागे से एक बॉब को सस्पेंड करें और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको घुमा दें, धागे को ऐसे लेकर के और ऐसे घुमा दें, तो ये बॉब ऐसे ऐसे ओरिजेंटल प्लेन में जाएगा। अब किसी इंस्टेंट पर इस पर देखेंगे तो टेंशन ऐसे और एम जी ऐसे, तो इस केस में सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो सेंटर की तरफ कंपोनेंट लेंगे, तो एम जी का कंपोनेंट सेंटर की ओर जीरो है क्योंकि ये लाइन ओरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, 90 डिग्री का एंगल है और वेक्टर का अपने राइट एंगल पर कंपोनेंट जीरो आ जाता है, और टी का कंपोनेंट लेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा क्योंकि ये एंगल 90 से छोटा है। इस एंगल को अगर थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और फोर्स टुवर्ड सेंटर, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा टी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस एम जी कॉस 90 डिग्री, सो इट इज टी साइन थीटा प्लस जीरो, टी साइन थीटा ही यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। इसी में एरर होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, तो जितने भी फोर्सेज लगे हैं सबको दिखाइए, इसके बाद सारे फोर्सेज का सेंटर की ओर कंपोनेंट लीजिए रेडियल लाइन पर। सेंटर कैसे पता करेंगे, जिस सर्कल में पार्टिकल जा रहा है उसका सेंटर खोजेंगे और उसी की ओर सारे फोर्सेज का कंपोनेंट लेंगे, तो इसी फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, इट इज नॉट ए न्यू फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स सभी प्रॉब्लम में रहना जरूरी नहीं है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होगा जिस प्रॉब्लम में, उसमें स्पीड कांस्टेंट होने के कारण डीवी बाई डीटी जीरो आ जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल बिकम जीरो, इन दैट केस टेंजेंशियल फोर्सेज बैलेंस्ड होंगे। कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्सेज जोड़िएगा और अगर स्पीड नहीं बदल रहा है तो उसका जोड़ जीरो आएगा। जैसे मान लें कि स्पीड कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब हुआ कि टेंजेंशियल फोर्स जीरो है। इसका मतलब होता है कि या तो टेंजेंशियल फोर्स लगा ही नहीं, फोर्स एब्सेंट है, और टेंजेंट के अलावा अगर फोर्सेज लग रहे हैं तो उन सब का सम टेंजेंट की ओर कंपोनेंट का सम जीरो है। जैसे मान लें कि एक कर्व पाथ है और कर्व पाथ पर एक साइकिल जा रहा है, साइकिलिस्ट है इस पर चढ़ा हुआ, और इसका स्पीड मान लें कि कांस्टेंट है, तो अब सोचना है कि साइकिलिस्ट पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। तो ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, इंक्लाइंड है, यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगा, तो ये एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा इधर की ओर जो कि सेंटर की ओर जाएगा, और अर्थ लगाएगी सीधे नीचे की ओर फोर्स एम जी, इस एम जी का एक कॉम्पोनेंट होगा इधर की ओर,
जो अगर हम लोग एंगल कुछ ले लें थीटा, इधर पी एम जी साइन थीटा लिख सकते हैं। अब चूंकि इस पर टेंजेंशियल फोर्स का सम जीरो होना चाहिए, इसलिए यह प्लेन इस पर इसको बैलेंस करने के लिए आगे की ओर फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट से इस फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन तक पहुँच गए कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज सच दैट नेट टेंजेंशियल फोर्स इज जीरो बिकॉज स्पीड इज कॉन्स्टेंट। इसलिए यहाँ पर एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स का मान लो कंपोनेंट लेते हैं टेंजेंट की ओर, तो ये जोड़ करके जीरो आएगा। सो एफ टी इज माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स इज अलोंग द टेंजेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इधर है तो टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स होगा जो कि एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा और स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी। सेंटर की ओर अगर कंपोनेंट लेंगे तो एन आएगा और एम जी का कंपोनेंट आएगा। फ्रिक्शन चूंकि प्लेन के पैरेलल है तो उसका कोई कंपोनेंट सेंटर की ओर नहीं आएगा। तो यहाँ पर तीन फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और एम जी। तीनों में एम जी कॉस थीटा इधर है और एम जी साइन थीटा इधर है, तो ये फोर्स टुवार्ड सेंटर लेंगे तो इस पाथ का जो सेंटर है वो इधर कहीं पर है। तो फोर्स टुवार्ड सेंटर यानी सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस एम जी कॉस थीटा, दिस विल बी सेंट्रीपेटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स विल बी जीरो। टेंजेंशियल फोर्स टोटल यहाँ पर देख रहे हैं एफ टी इज जीरो। तो इस तरह से हम लोग टेंजेंशियल फोर्स की बात कर सकते हैं। टेंजेंशियल फोर्स तो इसके लिए रिलेवेंट इक्वेशन है कि एफ टेंजेंशियल ये मास इनटू डीवी बाय डीटी, और अगर वी कांस्टेंट है तब उस केस में सारे टेंजेंशियल फोर्स का वेक्टर सम यानी कंपोनेंट सम जीरो होगा। अगर टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट है तो कुछ नहीं फोर्स रहेगा, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो कम से कम दो टेंजेंशियल फोर्स होगा और वो आपस में टेंजेंट के अलोंग बैलेंस्ड रहेगा। सेंटर के अलोंग अनबैलेंस्ड है क्योंकि इधर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाकर तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल इसको लिख सकते हैं। टेंजेंट या टेंजेंशियल फोर्स के अलावा जो दूसरा फोर्स है वो प्लेन ऑफ सर्कल के परपेंडिकुलर वाला केस है, उसको देखते हैं। जो फोर्सेज हैं नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सर्कल उनका सब जीरो है। तो इस तरह का एक सिचुएशन लें जिसमें फोर्सेज सर्कल के प्लेन में नहीं है, तो वो हॉरिजॉन्टल जो पेंडुलम हम लोग अभी बताए थे जिसमें टेंशन ऐसे था एम जी ऐसे था, तो उनमें फोर्सेज जो थे वो सर्कल के प्लेन में नहीं थे। टेंशन प्लेन से ऐसे एंगल कुछ बनाते हुए था और एम जी उस प्लेन के नॉर्मल था, तब उस केस में ये फार्मूला यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हो गया टेंशन और नीचे की तरफ एम जी, ये सर्कल का प्लेन है, सर्कल में ऐसे पार्टिकल जा रहा है तो इस प्लेन के नॉर्मल ये डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऐसे है सेंटर की ओर, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जीरो होगा, तो इसलिए उस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे। तो टी का अगर हम लोग पहले के फिगर के अनुसार देखें तो ये थीटा था, इधर थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा अपवर्ड फोर्स हुआ और एम जी माइनस में आया अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग ये सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्सेज का सम जीरो। सो वी हैव थ्री इक्वेशंस। वन फर्स्ट इक्वेशन इज फोर्स टुवर्ड सेंटर एफ सी इक्वल टू एम ए सी, फोर्स टुवर्ड सेंटर। सेकेंड रिलेशन इज फोर्स अलोंग टेंजेंट एफ टी इज एम ए टी, एंड थर्ड रिलेशन इज एफ परपेंडिकुलर इज जीरो। इन्हीं तीनों को यूज करके और सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेंगे जो कि फोर्सेस कैसे अराइज कर रहे हैं उनको शो करें। मोशन अलोंग लेवल ट्रैक,
एक्सटर्नल, दिस इज एन एग्जांपल। जैसे कोई सड़क है और फ्लैट सरफेस है उसका, और ऐसे जा करके और ऐसे घूम गए, इसमें कोई उतार चढ़ाव ऐसे ढालवा नहीं, तो इसको बोलते हैं लेवल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल लेवल, लेवल प्लेन है। तो उस केस में अगर टर्निंग पर कोई व्हीकल जा रहा है तो कैसे कैसे फोर्स अराइज करेगा उसको देखा गया है। मान लें कि ये ट्रैक है, घूम रहा है, ये यहाँ पर एक व्हीकल है, व्हीकल इधर आ रहा है, ये मान लें कि व्हीकल इधर आ रहा है और इसका पाथ कर्व्ड है ऐसे। अब इस कर्व्ड पाथ का इधर कहीं पर सेंटर होगा, अब इस पर जो भी फोर्सेज लगेंगे उनको देखेंगे। मान लें कि वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट होने का मतलब है कि टेंजेंट के अलोंग सारे फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो होगा। और इसका अगर रेडियस आर है, इस पाथ में ये जा रहा है इसका रेडियस आर है, तो वी स्क्वायर बाई आर, दिस विल बी एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ए सी लिखते हैं। तो इस ए सी के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है ये सोचना है। तो बॉडी पर लगते हुए फोर्सेज को देखिए, ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स प्लेन लगाएगा क्योंकि लेवल है, तो ऐसे लेवल है और मान लो कि ये गाड़ी है, तो इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। लेवल हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल नॉर्मल लगाएगा, और एम जी भी वर्टिकल होगा तो एम जी नीचे की ओर हो गया, ये दोनों फोर्सेज वर्टिकल है। लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन इसका जीरो है, इसलिए ए परपेंडिकुलर इज जीरो, तो नॉर्मल फोर्सेज क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे, एन विल बी इक्वल टू एम जी। अब ए सी को कौन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सेंटर की ओर फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और यह प्लेन दो फोर्स लगा सकता है, एक नॉर्मल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो जो पैरेलल जो इसके फोर्स लगता है उसका नाम फ्रिक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर यह प्लेन सेंटर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको कहा जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। और चूंकि व्हीकल स्लाइड नहीं कर रहा है इसलिए स्टैटिक नेचर का है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ पर है। अब इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में यूज करेंगे, इसको फोर्स की जगह और इसको एक्सेलरेशन की जगह। तो व्हीकल का अगर मास एम है तो मास इंटू वी स्क्वायर बाई रेडियस, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स। ये इक्वेशन हमारा डायनामिकल इक्वेशन लेवल रोड पर आएगा, इन दो इक्वेशन से हम लोग जो भी कैलकुलेट करना होगा कर सकते हैं। अब इसमें एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि म्यू से इसका रिलेशन निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन से रिलेटेड होता है, कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। तो इस हालत में एफ की जगह पर ये रख के और एन की जगह ये रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ की जगह पर रख रहे हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और म्यू एस एन की जगह पर एम जी रख रहे हैं। तो यूजिंग वन एंड टू, वन टू एंड थ्री, दिस इज द एक्सप्रेशन, एम कैंसिल्स आउट एंड वी हैव वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी आर, एंड वी मैक्सिमम जो कि पॉसिबल भी है, इट विल बी म्यू एस जी आर। तो लेवल रोड पर कितना से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी जाएगी तो फिसलने लगेगी, कितना या इससे कम स्पीड पर जाएगी तो बिना फिसले रोड को क्रॉस कर जाएगी। ये लेवल रोड पर एप्लीकेशन हुआ। इसी तरह का एप्लीकेशन फिर अगर हम लोग अन लेवल रोड बैंक रोड पर करते हैं तब क्या होता है। बैंक रोड का अर्थ होता है ढालवां सड़क, जैसे सड़क का ढलाई होता है तो ऐसे टर्न कर रही है अगर दाहिने की तरफ तो बाहरी वाले भाग को थोड़ा सा ऊंचा करके और ऐसे तिरछी सड़क बनाई जाती है, तो ऐसे रोड को बोलते हैं बैंक रोड। उस सड़क पर अगर गाड़ी जा रही है तो उसका सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स क्या होगा, इसके लिए हम लोग मान लें कि
ऐसे रोड है, और इधर से देखें तो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा उठा हुआ इसका सरफेस दिखेगा, ये सरफेस ऑफ द रोड हो गया, जो हॉरिजॉन्टल से मान लेंगे थीटा एंगल पर उठा हुआ है, एंगल थीटा बहुत कम रहता है, 10 डिग्री से बहुत निकट रहता है, वो बैंक रोड कहलाता है थोड़ा, ये डिपेंड करता है कितना स्पीड का गाड़ी इस पर चलेगा। तो यहाँ पर मान लो कि ये ऐसे हम लोग व्हीकल बना रहे हैं, ये इसके चक्के है या ग्रदीप है, और ये इधर से उधर से आ रहा है, सामने की तरफ आ रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की ओर है, तो ऐसे रोड को कहते हैं बैंक रोड, और ये एंगल कहलाता है बैंकिंग एंगल। इंक्लिनेशन ऑफ द रोड इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल, और भी स्पीड से गाड़ी आ रही है। ऐसे अगर हम लोग ज़ूम करें कि ऐसे घूम रहा है, तब ये बाहर की ओर का बैंक रोड है, ऐसे बाहर का किनारा उठा हुआ है। तब इस पर फोर्स जो लगेंगे, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा और एमजी ऐसे लगेगा, दो फोर्सेज की बात करें, इसका जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इधर कहीं पर है, तो सर्कल में जाने के लिए जो फोर्स चाहिए सेंटर की ओर, वो एम के कंपोनेंट से मिल जाएगा, क्योंकि अब एन वर्टिकल नहीं है, इसके ऐसे उठ जाने के कारण इस पर जो नॉर्मल था वो भी ऐसे झुक गया, तो अब इस नॉर्मल का सेंटर की ओर एक कंपोनेंट आ जाएगा, इसको रिजॉल्व करें तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक इधर आएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आप इसको थीटा से घुमाएंगे तो ये वर्टिकल से थीटा से मुड़ जाएगा, इसलिए ये एंगल थीटा है, तो ये एन कॉस थीटा, और इधर की तरफ एन साइन थीटा, तो एम जी का कंपोनेंट सेंटर की ओर जीरो आएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री और कॉस ये कंपोनेंट हुआ सेंटर की ओर एम जी का, और एन साइन थीटा इसका कंपोनेंट हुआ। अब हम लोग ये अज्यूम करें कि फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन भी हम लोग इसको सर्कल में ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें एक फोर्स मिल गया है एन साइन थीटा जो सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर ये रेडियस है और एम व्हीकल का मास है, ये इक्वेशन हो गया टुवर्ड सेंटर। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इट इज एन साइन थीटा, इक्वेशन वन मान लें, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए एन कॉस थीटा दिस विल बी इक्वल टू एम जी, यूजुअली इंक्लाइंड प्लेन पर लोग एम जी कॉस थीटा बराबर एन लिखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, कारण ये है कि एक्सेलरेशन इसका हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल फोर्स इज बैलेंस्ड। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एन का वैल्यू होगा एम जी बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान एक से छोटा होता है, एक से छोटा से भाग देंगे तो एन विल बी ग्रेटर देन एम जी, जितना लोड इसका है उससे ज़्यादा फोर्स से ये इसको प्रेस कर रहा है। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसमें केवल डिवाइड कर देने से सॉल्व हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से कर सकते हैं यूजिंग वन एंड टू। एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा, और इस साइड में हो गया एम वी स्क्वायर ऑन आर, और एन कॉस थीटा का वैल्यू एम जी है, तो एन एन कैंसिल हो गया, और ये टेन थीटा, तो टेन थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी, सो वी कैन राइट दिस एज वी एस इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, बैक रोड के लिए क्रिटिकल स्पीड है, क्यों इसका क्रिटिकल नाम है इससे इसके बाद हम लोग बताएंगे कि इससे कम या अधिक स्पीड से चलने पर फ्रिक्शन लगेगा, व्हीकल पर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर इस स्पीड से जाएंगे तो फ्रिक्शन रहते हुए भी व्हीकल की टेंडेंसी स्लाइड करने की किधर भी नहीं रहेगी इस स्पीड पर जाने पर, और फ्रिक्शन उस समय नहीं लगेगा, फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो,
ऑल द सरफेस इज रफ बट फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट एक्टिंग, दिस स्पीड इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। और अगर आपको स्पीड दे दिया जाए तो थीटा आप बता सकते हैं, थीटा जो है वो बैंकिंग एंगल है। तो रोज रोड नहीं बनता, एक बार रोड बना दिया थीटा एंगल फिक्स हो गया, तो जब थीटा फिक्स कर दिया और प्लेस का जी फिक्स्ड है, रेडियस का टर्निंग भी फिक्स्ड है, तो स्पीड भी फिक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर टर्निंग पर बोर्ड लगाना पड़ेगा कितना स्पीड के लिए हम लोग इसको बैंक किए हैं। तो आप देखते होंगे लिखा रहता है कि स्पीड कितना है, स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ लिखा रहता है। तो उसका कारण यही है कि बैंकिंग एंगल डिपेंड्स ऑन स्पीड, और उस खास स्पीड के लिए ही इसको बैंक किया गया है। अगर उससे कम स्पीड से जाएंगे तो फ्रिक्शन लगेगा, उससे अधिक स्पीड से जाएंगे तभी फ्रिक्शन लगेगा। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन लगने पर क्या इक्वेशंस आते हैं। नाउ वी कंसीडर केस ए इन विच वी इज ग्रेटर देन वी क्रिटिकल। तो ये हमारा इंक्लाइंड रोड है और ये व्हील्स हैं जो कॉन्टैक्ट में है रोड के साथ, और आगे की ओर व्हीकल आ रहा है इधर की ओर, और फ्रिक्शन लगेगा तो इस लाइन पर लगेगा, इधर या इधर किसी साइड में लगेगा, वो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं कि अगर इसको सीधे पार्क कर दें तो वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, वीसी से लेस होगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, इसलिए वीसी से कम स्पीड रहने पर फ्रिक्शन ऊपर लगता है। और इसको बढ़ाते बढ़ाते वीसी के बराबर ले आए तो ऊपर वाला फ्रिक्शन घटते घटते जीरो हो जाएगा, और उससे भी बड़ा करेंगे तो वो नीचे की ओर लगने लगेगा। तो ये नीचे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। अब हमारे पास जो डायनामिकल इक्वेशंस आएंगे उनमें कुछ चेंज आएगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ऐसे, एम जी ऐसे नीचे की ओर, और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। तो इन सारे फोर्सेज का सेंटर की ओर कंपोनेंट लेंगे, ये एन हो गया, ये एफ हो गया, एंगल थीटा मान लेते हैं, तो वर्टिकल से इसका एंगल ये थीटा हो जाएगा, और इसको इधर बढ़ाएं तो ये एफ ऐसे आएगा, एफ का ऐसे ओरिजेंटल से एंगल थीटा ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स है एन, एन वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस एन जी वेक्टर, ये सब मिल करके मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर दे रहे हैं। मान लीजिए कि राइट वार्ड हो गया, इधर की तरफ एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। अब ये चीज़ जो है वेक्टर फॉर्म में है, इसको स्केलर फॉर्म में लेने के लिए कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो कंपोनेंट हम लोग इस तरह से लेते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करने में ईजी हो। ऐसे अगर फोर्स के अलाउंग कंपोनेंट लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के अलाउंग, तो नॉर्मल का कंपोनेंट जीरो आ जाएगा, लेकिन एसी का भी कंपोनेंट उधर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग कंपोनेंट पैरेलल टू प्लेन ऑफ रोड, एन का कंपोनेंट जीरो, एफ का खुद ही एफ है क्योंकि ये इधर ही लग रहा है, और ये जो एसी है, जैसे ये ओरिजेंटल है एसी, और ये अभी दिखा रहे थे हम, तो ऐसे वाला एंगल ओरिजेंटल से थीटा बना रहा है, और एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, एम जी ऐसे है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर एम जी कॉस थीटा जाएगा और इधर एम जी साइन थीटा आएगा, ये थीटा नहीं है। एसी का कंपोनेंट इस लाइन पर इधर से लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ का कंपोनेंट लिया जाता है, दिस विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। सो वी हैव दिस इक्वेशन टेकिंग कंपोनेंट पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज नॉर्मल टू इंक्लाइन। नॉर्मल टू इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, तो इस केस में भी एसी का कंपोनेंट इस लाइन पर प्रेजेंट है, वो इसका साइन थीटा से आएगा, और एफ का कंपोनेंट इस लाइन पर जीरो हो जाएगा। टेकिंग कंपोनेंट नॉर्मल टू
प्लेन ऑफ रोड we see that component of any gen itself normal to plane lena idhar nahi lena and cos theta nahi hai aise iske perpendicular ye hamara plane isi line par mg ka component hai to ho jayega aur f ka zero aur iska minus mg cos theta equal to mass into acceleration in this direction to ye iska component is line par एसी कॉस थीटा था इस लाइन पर एसी साइन थीटा होगा तो वी स्क्वायर बाई आर एसी हो गया और साइन थीटा सो वी हैव टू रिलेशंस वन टू और लॉ ऑफ फ्रिक्शन से एक रिलेशन आएगा ई एफ इज लेस देन इक्वल टू यू एस एन तो इन तीन इक्वेशंस को कंबाइन करना होगा तो यहां से देखिए अगर आप v को बढ़ाते हैं अब डिस्कशन कर रहे हैं इसका कि v को बढ़ाते हैं तो f बढ़ेगा थीटा फिक्स्ड है तो ज़्यादा स्पीड से आइएगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा तो लिमिटिंग तक ही जा सकता है इसलिए स्पीड भी बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक ही ले जा सकते हैं उससे अधिक स्पीड कीजिएगा तो स्लिप कर जाएगा और चूँकि इधर फ्रिक्शन लग रहा है तो स्लिपिंग बाहर की ओर होगा अब हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना तक हो सकता है तो इसके लिए यहाँ से n का वैल्यू डाल देंगे और f का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दें मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन सॉल्व कर दें दीज इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 को यूज कर रहे हैं तो यहाँ से f का वैल्यू यहां से निकाल के यहां डाल दी और एफ की जगह पर आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा एफ की जगह पर यहां से ले आए इसको उधर ले गए तो इतना हो गया लेस देन इक्वल टू म्यू एस और एन की जगह पर यहां से इसको उधर ले जाए एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा नाउ वी कैन कलेक्ट वी स्क्वायर ऑन वन साइड एंड सी इट्स वैल्यू जैसे वी स्क्वायर जहाँ जहाँ है उसको एक जगह कर दें तो अगर हम लोग इसको वी स्क्वायर को उधर ले जाए इसको इधर ले आए तो सब निगेटिव हो जाएगा इसको उधर ले जाते हैं उसको इधर ले सो एम वी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा और इस फैक्टर को इधर ले जाते हैं पहले से यहाँ म्यू एम जी कॉस थीटा और इधर से आया एम जी साइन थीटा तो थ्रू आउट एम कैंसिल्स आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ वी स्क्वायर बाई आर cos theta minus mu sin theta less than mu cos theta plus sin theta और g को हम यहाँ ले आते हैं सो v square by r g less than equal to mu cos theta plus sin theta divided by cos theta minus तो इससे आप वी का वैल्यू इससे छोटा या बराबर तो इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना होगा तो इक्वालिटी साइन लेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं और नाउ वी डिवाइड इट बाय कॉस थीटा तो ये हो जाता है म्यू प्लस टेन थीटा और ये हो गया वन माइनस म्यू टेन थीटा रिलेशन नाउ वी कंसिडर केस बी जिसमें स्पीड का वैल्यू कम है क्रिटिकल स्पीड जो था बिना फ्रिक्शन वाला उससे कम है तो इस हालत में फ्रिक्शन बाहर की ओर लगेगा और इसका पहले अंदर लगता था बाहर लग रहा है बाकी सब सिस्टम वही है एन लग रहा है एम जी लग रहा है सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है और सारे फोर्सेज का वेक्टर सम मास इनटू एक्सेलरेशन
अब इसका कंपोनेंट लेंगे, तो जिस तरह से उसमें कंपोनेंट लिए थे कि प्लेन के अलोंग और प्लेन के नॉर्मल, यही दो कंपोनेंट लिए थे, तो प्लेन के अलोंग और प्लेन के नॉर्मल लेने में हम लोग देख रहे हैं कि केवल एफ का जो साइन है वो प्लस की जगह इस बार माइनस कंपोनेंट में आने जा रहा है, टेकिंग कंपोनेंट। अलोंग अ प्लेन डाउन अलोंग द प्लेन कंपोनेंट लें तो एम जी साइन थीटा और एन का कंपोनेंट जीरो और एफ का कंपोनेंट माइनस एफ, दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एसी का कंपोनेंट प्लेन के अलोंग। तो इसके लिए आप ये एंगल देख रहे हैं कि थीटा है, ये भी थीटा है, वी स्क्वायर बाई आर का कॉस थीटा, इस बार ये रिलेशन है। तो पहले वाले इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो इसकी जगह वहाँ प्लस एफ था, यहाँ माइनस एफ है। सिमिलरली टेकिंग कंपोनेंट नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोड, नॉर्मल की तरफ एसी का कंपोनेंट आएगा एसी साइन थीटा और एम जी का माइनस में आएगा एम जी, यहाँ थीटा ये है तो इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आ चुका है पहले एम जी साइन थीटा, इसको यहाँ लिख चुके हैं। नॉर्मल जो रहते हैं एन माइनस एम जी कॉस थीटा और एफ का कंपोनेंट जीरो एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। तो इन इक्वेशंस को कंपेयर कीजिएगा तो आप देखेंगे कि वी घटाने पर भी कम तब आएगा जब एफ अधिक हो, एफ ज़्यादा हो तो ज़्यादा घटेगा तब ये कम आएगा, इसलिए स्पीड को कम कर रहे हैं तो एफ को बढ़ना पड़ेगा, एफ बढ़ते बढ़ते अपने लिमिटिंग वैल्यू तक ही जा सकता है। सो एफ विल बी लेस देन इक्वल टू यू एस एन। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, अगर हम लोग इसको 4, 5, 6 लिख लें, 4, 5, 6 को सॉल्व करने का पहले जैसे किए थे वैसे ही होगा, केवल जहाँ एफ था वहाँ माइनस एफ है, तो एफ को यहाँ पर रखेंगे म्यू एन, तो उस हालत में जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ माइनस में आ जाएगा। तो सॉल्विंग वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन सॉल्विंग दिस, वी स्क्वायर अपॉन आर जी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इसमें हम लोग कम कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, और उधर माइनस म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा, अगर मैक्स मिनिमम हम इसका वैल्यू ले लें तो ये आ जाएगा, मिनिमम जो वेलोसिटी जा सकता है वी का वो इतना आ जाएगा, इससे कम रहने पर ये स्लिप कर जाएगा। अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, और सिलेबस में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का अर्थ क्या होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स फिक्टिशस इमेजिनरी घोस्ट, तरह तरह के नाम से स्यूडो को जाना जाता है। तो एक ऐसा फोर्स है जो कि वास्तव में किसी इंटरेक्शन से रिलेटेड नहीं है और केवल रोटेटिंग फ्रेम में ये दिखाई पड़ता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में और रोटेटिंग फ्रेम में, तब उस पर यही एक स्यूडो फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल का मतलब होता है दूर, तो सेंटर से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डायरेक्शन दूर होता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये किस ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ेगा, जो ऑब्जर्वर रोटेटिंग हो और उस फ्रेम में, उस रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तब ये सिंगल यही फोर्स स्यूडो फोर्स दिखाई पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तो इस फोर्स के अलावे एक और फोर्स दिखाई पड़ेगा जिसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो हम लोग अभी केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा करने जा रहे हैं, इसमें रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट उसके रेस्पेक्ट में स्थिर है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया कि एक व्हील है, इस पे बर्तन वगैरह बनता है, तो उस तरह का एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है,
रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब मान लें कि इसमें एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि सेंटर से बंधा हुआ है, और एक ऑब्जर्वर यहाँ है जो व्हील से बाहर है। ये इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसको मान लेते हैं स्लैश स्पेस, दिस इज इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम से देखने पर ये व्हील ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसके सेंटर से आर दूरी पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो व्हील के साथ ही कैरी हो रहा है, बॉडी पी व्हील के साथ कैरी हो रहा है। तब इसके लिए यह रेस्ट में है, पी इज एट रेस्ट रिलेटिव टू एस। और इस ऑब्जर्वर के लिए पी सर्कल में जा रहा है जिसका रेडियस आर है। अब ये ऑब्जर्वर देखता है कि सर्कल में जाने के लिए एक फोर्स चाहिए, तो ये जो स्ट्रिंग है यही वह फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए कि ये सरफेस स्मूथ है तो केवल एक ही फोर्स सेंटर जो लग रहा है वो है टेंशन का फोर्स। रस्सी टाइट है और ऑब्जेक्ट भी इस ऑब्जर्वर के लिए सर्कल में जा रहा है। तो एस का रिपोर्टिंग ये है, एस कहता है स्ट्रिंग इज टाइट टॉट, टेंशन इज टी। और यह सेकेंड लॉ लगाता है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाता है और इसके अनुसार ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और मास इनटू एक्सेलरेशन इन फोर्स। ये इनर्शियल फ्रेम से देखा गया न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसको वन मान लें। इस टी का डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर है, तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ एरो लगाए और आर का डायरेक्शन आगे की ओर उधर की ओर कर दें आर का डायरेक्शन, तो ये यहाँ पर माइनस आर, ऐसे वेक्टर फॉर्म में आर का डायरेक्शन इधर है, माइनस आर का डायरेक्शन सेंटर की ओर है, तो ये डायरेक्शन के साथ वेक्टर फॉर्म में आ गया। नाउ वी डिमांड रिपोर्ट फ्रॉम एस डैश। इस टेस्ट क्या रिपोर्टिंग करता है कि रस्सी को छू के देखता है तो वो कहता है कि हाँ रस्सी टाइट है, स्ट्रिंग टॉट है और टेंशन टी है। तो स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग इज टॉट, टेंशन इज टी। साथ में ये एक चीज और बोलता है कि पी मूव्स इन सर्कल, तभी ये एक रिलेशन ये लगाता है। P के लिए ये बोलता है P इज एट रेस्ट। अब यहाँ के बाद यह एक एरर कमिट करता है, यहाँ के बाद कहता है कि अकेले फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे रह सकता है। न्यूटन कह गए हैं कि रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड, तो इसलिए ये ऑब्जर्वर कहता है कि टी के अलावा एक और फोर्स लगना चाहिए जो टी को बैलेंस कर रहा है। तो ये वेक्टर टी मान ले कि इसको दिखाई पड़ा, तो ये कहता है कि टी के अलावा एक और फोर्स लगना चाहिए और इन दोनों का जोड़ जीरो होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब बताइए कि इसका ये कहना सही है या गलत है। तब इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि ये रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है, तो इसको ये राइट नहीं है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगाने का, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ केवल इनर्शियल फ्रेम में लगता है, तो इनर्शियल फ्रेम ये नहीं है। फिर भी ये एक एरर कमिट करता है, तो इसके साथ एक दूसरा एरर भी वो कमिट करता है कि फोर्स की कल्पना करता है। दोनों एरर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फोर्स की कल्पना ऐसे करता है कि कहता है कि रस्सी अगर आप काटते हैं तो इधर भागता है, उस फ्रेम से देखने पर रस्सी को काट देते हैं तो ये रेडियली आउटवर्ड भागता है, तो इससे वो कल्पना करता है कि बाहर की ओर एक फोर्स इस पर लग रहा है। लेकिन उसे पूछा जाता है कि पता करो कौन लगा रहा है, तो इधर कोई है ही नहीं, तो वो कहता है कि कोई नहीं लगा रहा है, तो लग कैसे रहा है, तो लगता दिख रहा है, दैट इज स्यूडो घोस्ट फोर्स। इसीलिए कहते हैं कि भूत दिखता नहीं है लेकिन लगता है कि भूत लग रहा है।
वो स्यूडो फोर्स या घोस्ट फोर्स या इमेजिनरी फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स, कई नाम है इसके, सभी का एक ही कहना है कि इसको कोई लगा नहीं रहा है लेकिन इसको वो लगता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए हम लोग उसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। और उसका सिंबल अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल दें, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस रेडियस से इधर की ओर है, एक्सिस से नॉर्मल उधर की ओर है, तो ये इन दोनों का सम जीरो है, ये दूसरा रिलेशन आता है। अब पहला दूसरा रिलेशन को कंबाइन करके इसका हम लोग एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ सी एफ इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर का डायरेक्शन आउटवर्ड, तो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग इन रोटेटिंग फ्रेम। अगर आप इनर्शियल फ्रेम में आते हैं देन देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट एक्ट्स ओनली इन रोटेटिंग फ्रेम। और इसकी खूबी यह है कि इट इज एग्जर्टेड बाई नो बॉडी, इट इज एग्जर्टेड बाई नो बॉडी, हेंस इज कॉल्ड अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का जो ये मेथड है एक्चुअली एक टेक्निक है कि आप रोटेटिंग फ्रेम में जाकर के सिचुएशंस को अगर इजीली कंसीव कर सकते हैं तो वहाँ चले जाइए, और रियल फोर्सेस के अलावे स्यूडो फोर्स भी लगाइए। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जैसा इक्वेशन लिखिए, तो ये यही इसका बेसिक कंसेप्ट है कि ये रॉन्गलिंग्स ने फर्स्ट लॉ को यूज़ किया और एक रॉन्गली एक फोर्स भी डिफाइन किया, तो दोनों एरर्स कैंसिल कर जाते हैं दूसरे से, और ये मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन है। सो ऑल दो स्यूडो फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट गिव्स अस ए टेक्निक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन रोटेटिंग फ्रेम।